सजेशन सलाहकार दिया जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि इलेक्ट्रिकल वेव जो होता है बिकॉज ऑफ द साउंड थ्रू ऑल्टरनेट पाथवे इलेक्ट्रिकल वेव है वो, अगर बच्चा रिलैक्स रहेगा तो इम्पीडेंस जो है बोन है मसल्स है जो भी है टिश्यूज है उसकी जो रेसिस्टेंस ज्यादा होगी तो दैट इलेक्ट्रिकल वेव्स कैन नॉट बी पिक्ड अप बाय द इलेक्ट्रोड्स व्हिच इज प्लेस्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। सो बच्चा को इवन यू नो हियर ऑल्सो आई कैन बीट आई जस्ट आई कैन टाइटन माई होल शरीर मान लो बॉडी को पूरा टाइट कर दिया और मेरा ब्रेथ टेस्ट करिएगा तो प्रोफाउंड लॉस आ जाएगा। तो ये नहीं कि आइए न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में जहां तक होता है एंड दे नॉट बी नोइंग ऑल दी बिकॉज दिस इज अ वेरी लॉन्ग सब्जेक्ट एंड अनलेस एंड अंटिल समबडी हैज गॉट प्रॉपर ट्रेनिंग जस्ट दे कैन नॉट टेक्नीशियंस एंड ऑल दिस थिंग दे हैव बीन डूइंग एंड लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स पीपल आर डूइंग स्पेशली फॉर इन केस अगर कोई चिल्ड्रन हुआ। दूसरी चीज है कि हम लोगों ने बोल दिया भाई कंप्यूटर का टेस्ट है इंडियन माइंड सेट ऑब्जेक्टिव टेस्ट है और वो हमने टेस्ट किया तो लगा कि बिहेवियर के आधार पर बच्चे को माइंड लॉस है चाहे नो लॉस है और चूंकि उसने दूसरे कहीं स्पेशलिस्ट से किया है कंप्यूटर लगा है साइकोलॉजिकल फीलिंग होता है कि ये ऑटोमेटिक टेस्ट है ये तो सही होगा लेकिन बच्चा का रॉन्ग रिजल्ट कई बार हमने देखे हैं। तो मेरा टेस्ट को अप्रोप्रिएट प्लेस से एंड ट्रेन पर्सन से होना चाहिए अदरवाइज इट इज इसका भी लाइक ओएई रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इज 95% एंड इट हैज बीन टेस्टेड यूजिंग द रिलायबिलिटी आई मीन डिफरेंट टेस्ट ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। सो ये मुख्य रूप से हमारे ये जो टेस्ट हुए ये हुए। इसके अलावा एक टेस्ट है जिसका नाम है एएसएसआर ऑडिटरी स्टडी स्टेट रिस्पांस ऑडियोमेट्री है। ये रिसेंट में आया बहुत रिसेंट में रिसेंट मतलब 5 साल से ऊपर ही हुआ। इसमें क्या है कि जो बेरा टेस्ट या ओएई टेस्ट जो हम करते थे इसमें फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त नहीं होता था। तो उससे प्रॉब्लम क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिव तो टेस्ट था हमने टेस्ट कर लिए कि भाई लॉस कितना है क्या है लेकिन किस फ्रीक्वेंसी में कितना लॉस है ये हमें प्राप्त नहीं होता था क्योंकि हम क्लिक साउंड देते हैं दैट इज अराउंड 2 kHz नॉइज बैंड। सो ये इंफॉर्मेशन जैसे किसी बच्चे का मान लीजिए कि 2 kHz पर नॉर्मल है और लो फ्रीक्वेंसी में उसका प्रॉब्लम है सो बेरा नॉर्मल आ जाएगा। दो चाइल्ड हैज हियरिंग आई हैव सीन मेनी चिल्ड्रन सो ये हम मिस मैनेजमेंट ये चूंकि ऑब्जेक्टिव टेस्ट है इसके आधार पर हमने बोल दिया हियरिंग नहीं लगेगा अच्छा कुछ नहीं करेंगे अच्छा हियरिंग प्रॉब्लम नहीं है लेकिन एक्चुअली हियर इज हियरिंग प्रॉब्लम। तो ये एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम थे और वही से भी ये सारी चीजें प्रॉब्लम थी। तो इसको ओवरकम करने के लिए ये जो हमारा एएसएसआर आया ऑडिटरी स्टेट स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। सो इसमें क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी मैकेनिज्म है इसमें इसको ईच फ्रीक्वेंसी पे ऑब्जेक्टिवली चाइल्ड विल बी स्लीपी ईच एंड एवरी फ्रीक्वेंसी यू कैन फाइंड आउट द हियरिंग थ्रेशोल्ड ऑफ द चाइल्ड। सो एक्चुअली फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हियरिंग एफिटी बेरा वॉज नॉट मच यूजफुल ओई वॉज नॉट मच यूजफुल पियोटोन एंड स्पीच ऑडियोमेट्री वॉज मच मोर यूजफुल बिकॉज इन द नाउ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन हियरिंग एट एच कम एंड देयर दे लॉट्स ऑफ फॉर्मूलाज आर देयर एंड देयर आई हैव टू हैव ए इन्फॉर्मेशन ऑफ थ्रेशोल्ड एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज विद द बेरा वी कैन नॉट गिव। पेरेंट्स को हमको जागरूक करना चाहिए अदरवाइज कुछ पेरेंट्स आते हैं हमारे आलिया और जंग में भी बेरा करा लिया है जी आप हियरिंग एड लगाइए तो लाइक दिस आई जे मैंने ही हैज डन अ ग्रेट जॉब बेरा करा लिया है बिकॉज दे डू नॉट नो द इम्पोर्टेंट वो ऑब्जेक्टिव 1500 रुपया या ज्यादा पैसा दिया है वो टेस्ट करने में तो इट इज मच मोर यूजफुल मे नॉट बी यूजफुल हाँ इट इज यूजफुल वेदर हियरिंग लॉस इज देयर और नॉट सो दिस इज इम्पोर्टेंट। सो एएसएसआर विल हेल्प अस फॉर सिलेक्शन ऑफ हियरिंग एड एंड एट व्हिच फ्रीक्वेंसी हाउ मच गेन
मैक्सिमम आउटपुट. एक स्पीच ऑडियोमेट्री में एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं कंफर्टेबल लेवल, अनकंफर्टेबल लेवल. सो वो इम्पोर्टेंट चीज है कि एक हियरिंग एड में एक हमारा टर्म है जिसको बोलते हैं हाउ मच मैक्सिमम साउंड वी कैन गिव टू द चाइल्ड इन द ईयर. अच्छा, इफ इट दैट वी कैन टेस्ट विद द हेल्प ऑफ अनकंफर्टेबल लेवल एंड कंफर्टेबल लेवल. इट शुड नॉट बी बियॉन्ड द अनकंफर्टेबल लेवल. दैट टेस्ट इज देयर विद द स्पीच ऑडियोमेट्री. इन हियरिंग एड सपोज बाय मिस्टेक इफ आई गिव अ मैक्सिमम आउटपुट बियॉन्ड द uncomfortable level, it will be damaging to the ear, child will be uncomfortable, and we think that hearing aid is okay, child is all the time throwing the hearing aid, we do not understand. See how this assessment is related to our management, and we must use properly, otherwise there is no use of this assessment. So that way ASSR, because mentally retarded children, ASSR really it is useful, and other LD children, even CP children, even deaf blind children, multiple handicap, and particularly assessment along with that hearing aid, cochlear implant. Cochlear implant also we need to know which frequency is damaged, because earlier cochlear implant they were damaging the cochlea and putting the electrodes for the responses. Nowadays, because of modification in technology, they are saving whatever remnant hearing is there, they are trying to save it, and adjacent to that cochlea they are putting the electrode so that the damaged portion can be compensated by the electrodes, and the remnant hearing which is there with the child, that should be preserved. So that way this ASSR is useful on the basilar membrane. Which part of the basilar membrane is totally damaged, it helps us. So this sir, like we had seen PTA की अगर हम बात करें pure tone audiometry की, तो उसमें अब सर बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ हम देखते हैं वो फेक करते हैं. वो उनको सुनाई भी दे रहा होगा तब भी हम उनको कहेंगे हाथ खड़ा करना, वो हाथ नहीं खड़ा करते हैं बिकॉज कोई भी रीजन हो सकता है उनको नहीं दिखाना कि वो उनको दिखाना है कि हम नहीं कम सुनते हैं. तो इस केस में क्या चीज पे काम करती है? पहले जो हम लोग सेंट्रल ऑडिटरी जो बोलते हैं ना हेयरिंग लॉस, उसको वो टेस्ट करेंगे, ताकि बहुत सारे क्या होता है कि अभी हमारे इंडिया में हैंडीकैप सर्टिफिकेट लेने के लिए ये सब चीज अपनाते हैं, तब हम लोग उस समय क्या करते हैं कि क्रॉस चेक करते हैं कि सपोज दैट उसमें मैं जैसा कि इसके पहले भी बोला था कि एक क्लिनिशियन ट्रेंड होना चाहिए. हेडफोन लगा दिए, ऑडियोमेट्री कर दिए, वो नहीं भी रिस्पॉन्स कर रहा है, मैं देख लिया, लेकिन वो जरूर उसके साथ आपने जैसे केस हिस्ट्री आप लिया, वो भी एक टूल्स है, असिस्मेंट का टूल्स है, आपने उसका बिहेवियर ऑब्जर्व किया, तो ये सब मिला करके उसकी जो आप करते हैं, फिर हाँ फिर सेंट्रल ऑडिटरी वो भी देखते हैं, ये सब मिला करके हम देखते हैं कि या ये सिर्फ इनका रियली थ्रेशोल्ड सही है या गलत है, या सिर्फ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आए हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसको फायदा लेने के लिए आए. बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि चलो हम हैंडीकैप सर्टिफिकेट बना करके रेल का पास बना लेंगे, जो सरकारी सुविधाएं है वो प्राप्त करेंगे, तो वो हमारे क्लिनिशियन पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से उस केस में कैसे मैनेज करते हैं. और उसमें भी दो तरह का है, जैसे नॉर्मल है, कान नॉर्मल है और पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. So, एक तो है डिलीबरेटली somebody इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द साउंड टू गेट द बेनिफिट, सम हैंडीकैप और पेंशन और दिस दैट डिजेबिलिटी केयर कंसेशन एंड फैसिलिटी और रेलवे लैंड एंड सो मेनी फैसिलिटीज आर देयर फॉर डिजेबल पीपुल. सो दैट इज कॉल्ड मलिंगरिंग फंक्शनल हियरिंग लॉस. अच्छा, सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड साइकोजेनिक हियरिंग लॉस. And there also, there is no organic involvement in the auditory system. Here, because of psychological trauma, something happened in the home and suddenly somebody decides that I don't want to hear the world. Yes. And really he is not hearing. So this is called psychogenic hearing loss, part of the functional or non-organic hearing loss, or pseudo-hypoacusis also it is called.
So there will be a two types. So here, psychological, apart from audiological, psychological management is to be done. And malingering also, you know, right from case history, pure tone, you know, because they do not know, they will try to balance the loudness. But in the normal, our loudness balance is totally different than the person who is matching and making it equal. So pattern on the audiogram is like a, you know, a semicircle. So that is the one thing. Then difference of PTA and SRT, speech recognition threshold, lots of differences are there. And those things are there. Then some ELO, SSR, impedance, ABR, it is coming normal. Sedation can be given and we can test. So that way you can identify this thing, hearing loss, and it will be helpful. So actually, after knowing all these things, parents sometimes they are confused, which we are discussing. So see, what are the things as it is shown here on the slide. What do families want to know when a child is diagnosed with hearing loss? So what do we do next? When must we take action? Where do we get more information? How do we decide? Who will help us? Why do you need early intervention? See, just people I have seen, at one place they have been, hearing assessment has been done, and they go to another place. Keep on running. In our country, I mean, all these things data I have collected from not only India, all over the world, it is the same situation. The moment somebody hears that my child is deaf, lots of problem, lots of emotional confusion is there, and they go from one place to another. So what do you do next? So after assessment, you must give a concrete plan, counseling, ki what is to be done for the child, for the betterment of child. I say ki hearing assessment is less important than the management. Put a hearing aid with low gain, if you are afraid, and start speech therapy, special education, so the child will start developing, and then keep on get testing from one place to another place. But their child, they never expected the child would be. So we must take action. Action must be taken. Otherwise, here important thing is that there is a critical period of auditory system, 0 to 2 years. Critical period means the moment child or any person's hearing within the critical period, if it is not used properly or adequately, after the critical period, usage of that organ will be ineffective. So in case of auditory system, already you know 100% hearing impaired is nobody's 100%. Some remnant hearing is always there. So that remnant hearing within critical period, if it is used, then child will be developing like any. I have got lots of data ki children before the 6 months of age, children after 2 years of age, they have started rehabilitation program, intervention program, and before the 6 months it has been started, they have developed like normal children, language, speech, education. After the age of 2 years, our age has increased. Development of vocabulary, development of language, development of speech is slower, rate is slow. So, critical period, you must tell all these things after the assessment to a parent. And teacher is important. They must know all these things, our students, all these things they should learn. Not that sound is a, that should also they should learn, apart from that, this management program. And assessment will lead to the management program. Then, sir, like in many of the cases I've been seeing, ki aate hain unko unke maa baap ko pata chalta hai unka bachcha kam sunta hai ya suni nahi paata hai, to wo fatafat wo panic karte hain, and uske baad wo fatafat usko de dete hain hearing aid de dete hain.
लाइक अभी सर ने बोला कि एक रेजिडुअल हियरिंग होती है हमेशा फिर भी, तो क्या उसी को यूज कर, अगर हम हियरिंग एड देते हैं तो बच्चा उसी के आदि हो जाता है, वो उसी को यूज करता है, अपनी जो एक उसकी रेजिडुअल एबिलिटी होती है उसको यूज नहीं करता है वो, तो हियरिंग एड देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है फिर, बच्चा उसी के डिपेंडेंट हो जाता है उसी चीज के ऊपर? नहीं, देखिए एक तो है कि दो चीजें यहाँ पर है, एक तो है कि रियली उसके क्या हियरिंग एड की जरूरत है, अगर रेसिडुअल हियरिंग है थोड़ा सा है, मान लिया कि सपोज दैट बहुत कम है, लेकिन उसको बिना हियरिंग एड का काम नहीं चल सकता है, बिना हियरिंग एड का वो कम्प्रिहेंशन नहीं कर सकता है, इन्वायरमेंटल साउंड नहीं सुन सकता है, तो इन्वायरमेंटल साउंड अगर नहीं सुन सकता है तो उसके लिए तो जरूरी है कि हियरिंग एड देना ही देना है, क्लास में वो बातें नहीं कर सकता, टीचर की जो बोल सकती है उसको कम्प्रिहेंड नहीं कर सकता है, सुनकर समझ नहीं सकता है, तो उसके लिए तो हियरिंग एड जरूरी है। लेकिन जो रेसिडुअल हियरिंग है उसको बच्चा कितना यूज करता है वो इंडिविजुअल पर निर्भर करता है, वो किसी एक नहीं कह सकते हैं कि इस बार इसको मतलब इतने लोगों को हियरिंग एड दे दिया गया तो उसको सुनने के आदि हो गया, आदि नहीं, उसकी नीड है, अगर उसके बिना वो सुन नहीं सकता है, सोसाइटी में एकोमोडेट नहीं कर सकता है, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, क्योंकि वो अगर कोई बोलेगा तो सुनकर समझेगा नहीं, लिसनिंग नहीं करेगा तो उसका रिस्पॉन्स नहीं देगा, यानी उसका कम्युनिकेशन गैप होगा, जरूरी है। और असिस्मेंट ऑन गोइंग प्रोसेस है, तो एवरी 3 मंथ में अगर रेसिडुअल हियरिंग एड है तो एक बार फर्स्ट टाइम उसको हियरिंग एड लग भी गया, लेकिन उसके बाद फिर हियरिंग एड लगने के बाद फिर वो क्या करता है, उसको बार बार हियरिंग टेस्ट होना चाहिए, तो जो कम पावर का है ज्यादा पावर का हियरिंग एड है ताकि वो चेंज हो और ताकि की इन्वायरमेंट की जो साउंड है वो ज्यादा सुन सके। So till now we were discussing about the different tests for hearing loss. We'll continue our discussion after a short break. ऑटिज्म एक व्यापक विकासात्मक विकलांगता है जिसके लक्षण जीवन के प्रथम 3 वर्ष में ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे असंगत खेल, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं, शाब्दिक संकेतों पर अभिव्यक्ति न देना। देखो, ओपन योर आईज, ओपन करो, ओपन ओपन करके ओपन ओपन, नियमित कार्यक्रम परिवर्तन का विरोध करना एवं अवलोकनीय शारीरिक उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय क्रियाकलाप। UNCRPD 2007 सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 4 निशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत प्रोफेशनल के प्रशिक्षण पर महत्व देता है। ऑटिज्म के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं, जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत हैं। सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडी इन रिहैबिलिटेशन एक ऐसी ही गैर सरकारी संस्था है। कनिष्क 13 साल का एक ऑटिस्टिक बच्चा है जो इसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। असंगत क्रियाएं, कार्यकलापों में निरस्ता, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं जैसे
बॉडी रॉकिंग और फिंगर रिगलिंग उसमें देखी जा सकती है। उसे मैचिंग और पेस्टिंग, पॉइंटिंग जैसी क्रियाएं सिखाई जाती हैं। वेरी गुड। ग्लास, वेरी गुड। ग्लास, ग्लास, वेरी। कप को टच करो जल्दी से, सबको भेज दिया था। वेरी गुड। कप में क्या करता है गणेश? टी पीता है। चलो ग्लास, वेरी इज द ग्लास, वेरी गुड। चलो बाउल की तरह, बाउल, बाउल जल्दी से टच करो बाउल को। वेरी गुड। बाउल में क्या करता है गणेश? तथा साथ ही साथ रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाना पीना, कपड़े पहनना, और व्यायाम संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑटिस्टिक बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यविधियां उनके स्तर के अनुसार सिखाई जाती हैं। जैसे कुछ बच्चों के लिए कलरिंग विद इन वन एरिया, मैचिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, फाइन मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बॉडी पार्ट्स, कलर्स पर जोर दिया जाता है तथा कुछ को प्रश्न पढ़ के उत्तर देने में और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अलावा राइम्स, डांसिंग, सिंगिंग द्वारा लेजर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सभी कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य उन्हें स्वनिर्भर बनाना है, ताकि ये डगमगाते पांव सक्षम बन जीवन के एक एक पायदान पर दृढ़ता से आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पा लें। एक तारा टिमटिमाता, उसने आकाश को छू लिया। एक लौ जली कहीं, उसने अंधकार को मिटा दिया। Welcome back after the break. Before going on to the break, we were discussing about the parental need. जब भी किसी एक माँ बाप को पता चलता है कि उसका बच्चा का नहीं सुन सकता, या उसको हियरिंग लॉस हो गया है, या थोड़ा सा कहीं पे उसको डेफिशिट है सुनने में, पेरेंट बहुत पैनिक करते हैं। दे हैव अ प्रॉब्लम एंड इट्स अ वेरी नेचुरल प्रॉब्लम। इन सबको हटाने के लिए, इन सबको उनके पेरेंट को हेल्प करने के लिए, वी वर डिस्कसिंग कि क्या क्या नीड्स है, क्या क्या क्वेश्चन है जो दैट शुड बी आंसर्ड बाय द ऑडियोलॉजिस्ट और द पर्सन हु इज असेसिंग। वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन सर। सो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू द पेरेंट्स एंड वेयर टू गेट द हेल्प, और ये जो हमने टेस्ट किया उसकी भी एक्सप्लेनेशन मस्ट बी गिवन टू द पेरेंट्स। और टीचर जो हमारे हैं स्पेशल एजुकेटर जिनके लिए इम्पोर्टेंट है, उनको भी परफेक्ट होना चाहिए। बेसिकली वन ऑफ द टेस्ट, कहीं दूसरे जगह से मान लीजिए टेस्ट हुआ तो पेरेंट्स आपके पास लेकर आएंगे ऑडियोलॉजिकल रिपोर्ट, एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली दैट पियोटन ऑडियोमेट्री, स्पीच ऑडियोमेट्री का रिजल्ट जिसको हम लोग ऑडियोग्राम बोलते हैं। तो जैसा कि ग्राफ आप देखेंगे यहाँ कि इसका हमें ऑडियोग्राम को पेरेंट्स के हिसाब से टीचर को कैसे पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना है, बताना है, टीचर को भी समझना है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो ऑडियोग्राम जो है एक ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। जैसा ग्राफ देखेंगे आप, एक ग्राफ है, तो इस ग्राफ पर ये एक्स एक्सिस पर आपको फ्रीक्वेंसी
और वाई एक्सिस पर आपको इंटेंसिटी इंगित करता है। और ये जो देखेंगे हम कि ऑडियोग्राम से, ऑडियो मैं दिखाऊंगा ग्राफ, ऑडियोग्राम से हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। तो दो तीन चीज है कि अबाउट द चाइल्ड्स हियरिंग एबिलिटी और व्हाट चाइल्ड कैन हियर एंड व्हाट चाइल्ड कैन नॉट हियर, सो दैट अंडरस्टैंडिंग विल गेट विद द ऑडियोग्राफ। एंड बिहेवियर ऑफ द स्पीच ऑफ द चाइल्ड, कि स्पीच का व्हिच कंपोनेंट ऑफ द चाइल्ड कैन हियर एंड व्हिच ही कैन नॉट हियर, एंड इंपैक्ट ऑफ हियरिंग लॉस ऑन एजुकेशन, दिस थिंग विल गेट विद द ऑडियोग्राम। एंड दिस वी कैन से दिस इज द डायग्राम ऑफ द कोक्लिया एंड इट इंडिकेट्स द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी प्लेस रिस्पॉन्डिंग द बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ द कोक्लिया। सो वी सी एट द बेस इट इज द हाई फ्रीक्वेंसी एंड एट द एपेक्स इट इज द लो फ्रीक्वेंसी एंड इट इज स्प्रेड फ्रॉम लो फ्रीक्वेंसी टू हाई फ्रीक्वेंसी। एट दिस कोक्लिया एक्चुअली वी कैन से दिस इज द फोटोकॉपी, ऑडियोग्राम इज द फोटोकॉपी ऑफ द कोक्लिया। आई मीन व्हिच पार्ट ऑफ द कोक्लिया इज फंक्शनल एंड हाउ मच एंड व्हिच पार्ट इज नॉट फंक्शनल हाउ मच। सो दे मस्ट नो एंड दे मस्ट एक्सप्लेन द सीइंग द ऑडियोग्राम शुड बी एबल टू नो कि कोक्लियर कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स स्टेटस। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग एंड हियर दिस इज द ऑडियोग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस। सो ऑन द ऑडियोग्राम यू सी आई एम राइटिंग मिनिमल हियरिंग लॉस, माइल्ड, मॉडरेट, ऑल दिस थिंग इट इज शोन हियर। एक्स एक्सिस इट इज द फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम 250 टू 8000 एंड वाई एक्सिस इट इज द इंटेंसिटी। एंड दिस कैन बी कोलैबोरेटेड वन मोर ग्राफ स्पीच स्पेक्ट्रम, आई शो यू दिस हियरिंग लॉस हाउ इट कैन बी कनेक्टेड विद द स्पीच स्पेक्ट्रम विच विल बी हेल्पिंग अस टू डिसाइड द बेनिफिट ऑफ द हियरिंग एड। सो डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस एंड हाउ इट इज ऑब्टेन, ऑलरेडी यू हैव डिस्कस द प्योटोन एवरेज इज द थ्रेशोल्ड एट 500, 1000, 2000 एंड एवरेज ऑफ दैट। सो दिस विल बी द पीटीए एंड दिस इज क्लासिफाइड लाइक दिस डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस। सो 0 to 15 इट इज नॉर्मल एंड 15 to 25 इट इज मिनिमल एंड 25 to 40 माइल्ड। सो 40, 50 मॉडरेट लाइक दिस अप टू द प्रोफाउंड अबव 90 डिग्री प्रोफाउंड। सो दिस डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट पर्टिकुलरली इन द स्कूल सिलेक्शन। सपोज माइल्ड मॉडरेट हियरिंग लॉस, वाई यू शुड गो टू द स्पेशल स्कूल विद द हेल्प ऑफ हियरिंग एड। सो दिस पेरेंट्स वो आते हैं मेरे पास, टीचर के पास आएंगे कि इसका टेस्ट हुआ है, आप सलाह दीजिए, एजुकेशनल मैनेजमेंट प्रोग्राम, स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो हम लोगों को निष्पक्ष होकर अपने जो अप्रोप्रिएट हो बेस्ड ऑन ऑल द इंफॉर्मेशन, नहीं तो हियरिंग लॉस सिर्फ बता दिया, हम जानते हैं हियरिंग लॉस वाले को स्पेशल स्कूल दो, तो ऐसा नहीं होगा। डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस भी अफेक्ट करता है इन द सिलेक्शन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल। सर, जब हम प्योटन ऑटोमेट्री करते हैं, जब उसकी जो भी रीडिंग्स आई है उसमें जो भी 500 किलो हर्ट्ज पे, 1 kHz पे और जो 2 kHz पे आ रहे होंगे, उनकी जो रीडिंग्स होगी उसका हम एवरेज निकालेंगे। हाँ, यस। एंड जो उसका आंसर आएगा उसमें हम टेबल में देख के उस हिसाब से वो डिग्री आ जाएगी। हाँ, डिग्री आ जाएगी। डिग्री के हिसाब से फिर हम कनेक्ट कर सकते हैं एजुकेशनल प्लेसमेंट। तो ये अच्छा, प्लस ये तो जस्ट एक प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए, अदरवाइज कंप्लीट ऑडियोग्राम वी मस्ट सी, क्योंकि 500, 1000, 2000 जस्ट इट इज द इम्पोर्टेंट फ्रीक्वेंसी फॉर द स्पीच, देयरफॉर 500, 1000, 2000 इट इज टेकन, अदरवाइज 250 to 8000 लाइक स, च, ज, ऑल आर द हाई फ्रीक्वेंसी। सो बेस्ड ऑन एक्चुअली ओनली दिस 3 फ्रीक्वेंसी विल नॉट बी हेल्पिंग मच, सो देयरफॉर दैट्स व्हाई कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द, सो दिस इज द ऑडियोग्राम। नाउ विल सी दिस इज द वन ऑडियोग्राम ग्राफ है, विल सी स्लाइड एंड दिस इज द ऑडियोग्राम ऑफ नॉर्मल हियरिंग, नॉर्मल हियरिंग
and we'll see different types of, so one AC, BC, it is shown here, it is the normal hearing graph, and here you see PTA if I take, and all the frequency threshold of hearing is within 25 dB. So this is the one graph of normal, this is the mild hearing loss, average is between 26 to 40, this is the moderate hearing loss. So these informations must be transferred to the parents and explained with the help of audio graph, and they themselves must understand. Then another graph, we can say severe hearing loss. So see, these are the different types of audiogram in terms of degree of hearing loss, and this must be explained to the parents, and unless and until you have complete picture of audiogram, just a sentence may link the profound hearing loss and tell that child has profound, that will be incomplete information. So importance of audiogram is very much important. Now how to understand the type of hearing loss, conductive hearing loss. So conductive hearing loss, there are mainly three types, Sanjayji will tell. Yes. Conductive, three type of hearing loss, then lesion, किसकी कान में किस किस जगह पे हेयरिंग लॉस है, मतलब जो हम कंडक्टिव लॉस कर रहे हैं, सेंसरी हेयरिंग लॉस कर रहे हैं, मिक्स्ड हेयरिंग लॉस, तो इसमें हम देखते हैं कि कान के कौन कौन से एरिया में खराबी होने के कारण कंडक्टिव लॉस है, सेंसरी लॉस है और मिक्स्ड हेयरिंग लॉस है. तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो कंडक्टिव लॉस है, कंडक्टिव लॉस जिसको हम ज्ञात करते हैं इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री के माध्यम से, तो जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है या तो आउटर ईयर में और मिडिल ईयर में, बिकॉज ऑफ कि सपोज दैट आउटर ईयर है, आउटर ईयर में के द्वारा हमारा साउंड वेव जाता है, तो उस समय जो साउंड वेव जाता है उस साउंड वेव को जाने में कहीं रुकावट है, या जो मिडिल ईयर में हमारा एयर होता है, एयर प्रेशर के अलावा उस एंटीबॉडी जो है उस सपोज टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, होल हो गया है, या हमारा जो इंकस मिलियस इंकस स्टेपिस बोन है उस बोन में कहीं ना कहीं कोई फिक्सेशन है, तो ये जो है अगर ये तीनों यहाँ पर मिडिल ईयर और आउटर ईयर में अगर जो प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम की जो डायग्नोसिस हम करते हैं वो लीजन के आधार पर मिक्स सपोज कंडक्टिव हेयरिंग लॉस करते हैं, क्योंकि और जो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का जो अगर सपोज एट कंडक्टिव लॉस हेयरिंग वाले जो बच्चे हैं तो उनको भी हेयरिंग एड नहीं पहनाना है, अकॉर्डिंग टू ईएनटी डॉक्टर से सजेशन लेकर के कि क्या इसको सर्जरी से इसकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक किया जा सकता है. तो ऐसा देखा गया है कि जो 80-90% जो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस वाले व्यक्ति होते हैं तो उनको अकॉर्डिंग टू सर्जरी, अकॉर्डिंग टू मेडिकल इंटरवेंशन, अकॉर्डिंग टू मतलब डॉक्टर गाइडेंस काउंसिलिंग के मतलब द्वारा उनको ट्रीटमेंट हो जाता है. आगे हम जब चलते हैं जो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के बाद है सेंसरी हेयरिंग लॉस. सेंसरी हेयरिंग लॉस में जो कान की अंदर का पाथवे, जैसा कि सर ने बताया कि कोक्लिया जो हमारा है, जो सपोज दैट अगर यहाँ से हम जोड़े अगर कान का भाग से मध्य कान के से जो अंदर का जो पार्ट है उस पार्ट में खराबी होने के कारण, तो उस पार्ट में कहाँ से सेमी सर्कुलर केनाल हो गया, और उसके बाद आपको जो कह सकते हैं कोक्लिया, कोक्लिया में डैमेज हो जाने के कारण जहां से हम लोग मैकेनिकल एनर्जी के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी उससे ब्रेन में जो जाता है एट क्रेनियल नर्व के द्वारा वहां प्रोसेसिंग में कमी हो जाता है, वहां जो साउंड होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, सपोज दैट वहां से अगर रिस्पॉन्स दिया किसी व्यक्ति को कि मच्छर मारो, उन्होंने सुना कि आवाज सुन लिया कि मच्छर मेरे पास है, लेकिन वो सुनकर तो मिडिल ईयर तक पहुंचा, लेकिन अगर इनर ईयर में प्रॉब्लम है तो उन्होंने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, उसको रिस्पांस नहीं दिया मोटर एरिया को कि मच्छर को तुम भगाओ, तो बिकॉज ऑफ की कोक्लिया डैमेज है, अब उसको वो सुन करके रिवाइव नहीं कर पाया. तो जो सेंसरी हेयरिंग लॉस में होता है मुख्य रूप से कि जो जो इनर ईयर में प्रॉब्लम के कारण मतलब कह सकते हैं कि हेयरिंग सेंसरी हेयरिंग लॉस हुआ, और इसका जो इंटरवेंशन है तो इसमें ज्यादा ये देखा गया कि सेंसरी हेयरिंग लॉस वाले व्यक्ति या बच्चे को हम लोग
ज्यादातर के ज्यादातर सपोर्ट यानी सपोर्ट सिस्टम इन द सेंस की हेयरिंग एड सपोर्ट मतलब देते हैं कि हेयरिंग एड के द्वारा जो नॉर्मल हेयरिंग पहले उसका था उस हेयरिंग के आसपास उसको हम सुनने लायक हेयरिंग एड दे करके सुनने लायक उसको हम बनाते हैं। तो ये तो हो गया मतलब कहाँ पर होता है सेंसरी हेयरिंग लॉस किस कान में और उसको क्या करना है। फिर एक है मिक्स्ड हेयरिंग लॉस। मिक्स्ड हेयरिंग लॉस में ये देखा जाता है और वो ये सब जो चीजें हैं सर जैसा कि अभी हम लोग ग्राफिकल ऑडियोग्राम में हम देख रहे हैं कि सेंसरी हेयरिंग लॉस में सबका अलग अलग तरीका होता है। मतलब एक ही प्रेजेंटेशन नहीं होगा, मतलब ऑडियोग्राम अगर हम प्लॉट करें तो एक ही प्रेजेंटेशन नहीं होता है। हर अगर कंडक्टिव लॉस होगा तो उसका जो प्रेजेंटेशन होगा वो अलग होगा। जैसा कि आप अभी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे इसका जो प्रेजेंटेशन है इसका अलग प्रेजेंटेशन है। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सेंसरी हेयरिंग लॉस का जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है उसका अलग होता है। फिर हम लोग मिक्स्ड हेयरिंग लॉस का भी हम जब देखेंगे तो उसमें भी उसका जो ग्राफिकल जो ऑडियोग्राम होता है उसमें बहुत जिकजैक होता है। तो इससे हमको पता चल जाता है कि एक तो क्लिनिकल पता चलता है कि ये मिक्स्ड हेयरिंग लॉस है। जैसा कि सर ने बोला कि मैडम का भी क्वेश्चन था कि पेरेंट्स को जाना जरूरी है, ये नहीं कि मैं एक पेपर आया ऑडियोग्राम प्लॉट करके उसको दे दिया वो घूम रहे हैं इधर उधर। उनको पेरेंट्स को हमको एक्सप्लेन करना है कि मिक्स्ड हेयरिंग लॉस होगा तो इसमें हमको क्या क्या करना है। और मिक्स्ड हेयरिंग लॉस में जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि इसमें मध्य कान में भी खराबी हो सकता है, कुछ इनर ईयर में भी हो सकता है, आउटर ईयर में भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग ENT डॉक्टर्स, अदर रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल, ऑडियोलॉजिस्ट बैठकर उसका प्रोग्राम सॉर्ट आउट करते हैं कि बच्चे में क्या हो सकता है, इसको किस तरीके से इंटरवेंशन, या तो हेयरिंग एड दिया जा सकता है या मिडल ईयर में कुछ खराबी होने के कारण अंदर प्रॉब्लम हुआ तो फर्दर उसको सर्जरी या कुछ ड्रग से ठीक किया जा सकता है। तो ये तीनों जो हेयरिंग लॉस है स्थान के आधार पर कि कहाँ कहाँ पर होता है पेरेंट्स को भी जाना जरूरी है ताकि हमारे एक मास और लोगों को ये तो हेयरिंग लॉस हो गया और आगे जो आने वाले लोग हैं बच्चे व्यक्ति हैं उनको हेयरिंग लॉस ना हो। अगर एक बच्चा की नहीं पेरेंट्स का है फर्स्ट बच्चा है तो कोई लॉस हुआ है तो आगे आने वाले बच्चे को अगर सपोज कंडक्टिव लॉस है तो उसको ठीक तरीके से केयर और मेंटेनेंस ईयर का करेंगे उनको कंडक्टिव हेयरिंग लॉस नहीं हो सकता है। उसी तरह से अगर सेंसरी हेयरिंग लॉस है तो उसको तुरंत इंटरवेंशन करके ईयरली इंटरवेंशन हम लोग कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग कर सकते हैं। ग्राफिकल से हमें थोड़ा इजी भी ज्यादा देखने में और डायग्नोस करने में कि क्या कौन सा टाइप ऑफ हियरिंग ऑडियोग्राम। हाँ जैसा कि ACBC इजी वे में ये हमें मालूम हो जाता है और पूरा ऑडियोग्राम होना चाहिए, पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, पेरेंट्स के पास भी होना चाहिए, टीचर के पास भी होना चाहिए, टीचर्स के हर रिकॉर्ड में इट इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑडियोग्राम है जो कि फाइल में रहना चाहिए। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अभी कमी है इसमें थोड़ा और हमारे जो नए स्पेशल एजुकेटर का जो कोर्स कर रहे हैं वो जाकर डालेंगे, वो सीखेंगे और इसका इम्पोर्टेंस यूज करेंगे। हर स्पेशल स्कूल में, स्पेशल स्कूल नहीं जो सर शिक्षा है वो हर बच्चे का ये आजकल वो जो बनाए हैं उसमें ऑडियोग्राम मस्ट बी देयर, इम्पोर्टेंट है उसका मैनेजमेंट। तो ACBC ये सारा चीज डिटेल ईच एंड एवरी फ्रीक्वेंसी हमको इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा व्हाट हाउ इट इज हेल्पफुल दिस ऑडियोग्राम तो हम देखेंगे। जैसा कि हम बताएंगे इन स्पीच परसेप्शन हाउ इट इज हेल्पफुल, स्पीच अवेयरनेस लेवल वी कैन नो, स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच डिस्क्रिमिनेशन, स्पीच साउंड द चाइल्ड कैन हियर कैनॉट हियर, देन बेनिफिट ऑफ हियरिंग इन अंडरस्टैंडिंग द स्पीच, मेथड ऑफ टीचिंग स्पीच, सेलेक्शन ऑफ टेक्निक ऑफ टीचिंग स्पीच, दिस इज अ वन थिंग एंड दिस ग्राफ स्पीच स्पेक्ट्रम इज ए व्हिच साउंड्स आर मिसिंग व्हिच साउंड्स आर नॉट मिसिंग दिस वी कैन नो। देन यू सी दिस अगेन ऑडियोग्राफ एंड दिस ग्राफ शोज द हियरिंग लॉस एंड स्पीच स्पेक्ट्रम। सो व्हिच साउंड सी राइट साइड चाइल्ड इज नॉट हियरिंग द स्पीच, लेफ्ट साइड सम स्पीच साउंड्स इज हियरिंग, सो विद द हेल्प ऑफ हियरिंग एड ही कैन गेट द बेनिफिट। देन टेक्नो
technology decision. So in that cochlear implant, assistive devices, hearing aid. See, cochlear implant. See, how much cochlear is damaged? In mild moderate hearing loss, and I'm suggesting cochlear implant. Totally wrong. So how much loss and which frequency? Earlier I have shown that the audiogram is the duplicate of the basilar membrane. So up to some extent you can get the information and must use it in deciding the cochlear implant whether it is to be used or not. Then assistive devices. Assistive devices, there are three types. One is the auditory base, second is the visual base, third is the tactile base. So depending upon the audiogram, child has all the frequency and appropriate responses, so you can use the auditory based technology, assistive devices. If some person is responding and some person is not responding, so we can use either visual based and or tactile based. Now their tactile is there for the developmental speech. We have a doctor speech for the developmental speech, which is visual based plus auditory or auditory visual together. So these are the assistive devices nowadays. Deaf people all over the world, they are not, totally normal. They are a communication problem they have. So communication problem can be overcome with the use of technology and hearing aids. So what type of hearing aid? Digital hearing aid, behind the ear hearing aid, in the ear hearing aid. Like profound hearing loss case, we cannot give in the canal hearing aid. So that way, it helps us in decision of technology. Then in education, selection of modes of communication, sign language, through oral, all these things based on the information obtained through the audiogram, selection of class for a particular child, selection of method of teaching language, selection of type of school, setting of a volume of the listening assistive devices, then communication choices, sign language, total communication, auditory verbal approach, auditory oral approach, cued speech, like this. So overall you see, audiogram tells what sounds of spoken language the child hears and what he does not hear. What kinds of hearing aid might help the child. What type of hearing loss the child has. How much the hearing aid is going to help the child. So like this, hearing aid is the basic of all the management program. Understanding of audiogram, which is obtained from the hearing assessment, must be understood. And so audiogram plays a major role. So in our today's discussion, the topic was assessment for hearing loss. Assessment, as our experts told us, it is a very necessary part, for we need a comprehension management plan. We need it for the comprehension management plan. Next, we move on to the battery of tests, the different tests which are used for the hearing loss. First, we talked about the behavioral observation assessment, in which the assessment is done through the different behaviors of a child. This matters with the age, whether the child blinks or the child turns or the child smiles. Whatever the behavior might be, according to that, the assessment is done. Next, we moved on to the pure tone audiometry. Pure tone audiometry, it is a very major part. In this, a single tone, a pure tone is sent to the person's ear, and according to that, the readings are taken. The readings are taken on an audiogram, which helps us in assessing whether the person is conductive hearing loss or is sensory hearing loss or has mixed hearing loss. These are the different types of hearing loss which can be diagnosed through pure tone audiometry. Next, we moved on to the sound field audiometry, in which we have the aided audiogram and the unaided audiogram. In this, aided is done through the hearing aid, and unaided without the use of the hearing aid. Next, we moved on to the speech audiometry, in which we have the speech awareness level. Then we have the speech recognition threshold and the speech discrimination score. In this, we use the different kinds of the spondy words and the PV words which are used. Next, we moved on to this impedance test. Impedance test is one of those very easy tests. Even a layman with a little training can perform it. It's a very effective test. Then we moved on to the Bera test. This is more effective for the small kids. And in this, the
signals are sent into the brain and a less of activity of the child is required. Then we moved on to the autoacoustic emission test. In this we talked about the different emissions that are emitted by the ear upon the sending of any noise into the ear. The last test we talked about was the ASSR, that is the auditory steady taste test response audiometry. This is another very effective test. Later we moved on to the different types of management for it, which includes the cochlear implant or the assistive devices, or we have the hearing aids. This is all we talked about today. We'd like to thank our experts for taking out their valuable time and sharing their valuable knowledge with us. This is all for today's discussion. I hope you liked the show. Thank you for watching us. Thank you.